हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीत तिवारी, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 5 साल के बच्चे के लिए पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। पूरा चून वाला सलवार है, किस तरीके से चूंगट लगाने चाहिए, मोहरी कैसे लगानी चाहिए, बेल्ट कैसे ज्वाइंट करना चाहिए, किस तरीके से कटिंग करनी चाहिए, 5 साल के बच्चे की साइज कैसे कितनी लेनी चाहिए, कैसे काटना चाहिए, सब कुछ आपको अच्छे से समझाया हुआ है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरा अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊँ और आपको अभी मेरी वीडियो में दिन पर दिन सुधार मिलता रहे देखने के लिए। उसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपके वीडियो में ये दिक्कत है, तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम और अच्छे से क्लियर कर लूँगी और सुधार के और अच्छे से वीडियो बनाऊँगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करो। काफ़ी टाइम से मतलब ये वीडियो के लिए डिमांड आ रही थी, मैम 5 साल के बच्चे के लिए सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताओ, तो आज वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और भी कुछ पूछना हो, सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जैसे एक वीडियो तो नहीं रहती है कि मैं अपने आज ही क्वेश्चन किया और मैं आज ही वो वीडियो अपलोड कर दूँ, तो मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं पार्लर का भी काम इसी चैनल पर सिखाती हूँ, तो टाइम लग जाता है थोड़ा। कई बार पार्लर क्लीनअप के लिए रिक्वेस्ट आई थी कि मैम क्लीनअप कैसे करना चाहिए, क्लीनअप में कौन कौन सी क्रीम यूज हो जाती होती है, क्लीनअप के किस स्किन टाइप पे किस तरीके से करना चाहिए, तो वो वीडियो मैंने अपलोड की, हेयर कट की वीडियो अपलोड की, बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है जो कि आपकी रिक्वेस्ट आती है उस हिसाब से। तो आज मैं ये 5 साल के बच्चे की पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग अपलोड कर रही हूँ। हाँ, पटियाला सलवार की जैसे गोल वाला जो सूट होता है उसकी कटिंग कैसे करनी चाहिए वो भी रिक्वेस्ट आ रखा है। पटियाला सलवार के नीचे से जो राउंड होता है वो वाला सूट, तो वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। कॉलर वाले सूट की कटिंग कैसे करनी चाहिए, कॉलर कैसे लगानी चाहिए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताते जा रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे लकी मैडम 5 साल के बच्चों के लिए बता रही, ठीक है? तो 5 साल के बच्चों के लिए 1.5 मीटर कपड़े में भी हो जाएगा, ये दोनों पेपर मिला के 1.5 मीटर तक हो जाएगा। 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? 1 मीटर यहाँ से 100 सेंटीमीटर होता है। देखिए 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलते हैं, ठीक है? इसको नापेंगे तो ये हमारा कपड़ा है 68 सेंटीमीटर है, मतलब 1 मीटर से भी कम है कपड़ा, ठीक है? 2x फोल्ड रखेंगे, 2 तरह कपड़ा है। उसके बाद फिर यहाँ से लेंगे 12 इंच, छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो 11 इंच मोहरी का चौड़ाई ले लेंगे, ठीक है? 11 इंच मोहरी का चौड़ाई, ठीक है? यहाँ से ले लेंगे लंबाई, हम लोग 16 इंच लंबाई ले लेंगे। 16 इंच का हमारा लंबाई तैयार होगा, ठीक है? अच्छे से दिख रहा है ना वीडियो में? 16 इंच लंबाई तैयार होगा। 2 इंच ले लेंगे मोहरी तैयार करने के लिए, जो बकरम डाल के पलटते हैं उसके लिए, ठीक है? ये हमारा मोहरी हो गया, इसको काट के निकाल लेंगे। तो ये वाला जो निशान है इसको नहीं काटना है, ये वाला काटेंगे। समझ में आता? तो ये मोहरी हो गया। अब कली के लिए हमारे पास इतना ही कपड़ा बचा है, ठीक है? तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हमारी मोहरी की जो साइज थी, मोहरी का जो ये वाला साइज था, मतलब 16 इंच जो था, उसको यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 16 इंच यहाँ पे लगा लिए। आसन ले लेंगे 6 इंच, तो ये पूरा 6 इंच है, पूरा यहाँ से ऐसे मिला दें, ठीक है? 6 इंच पे एक निशान है और 6 इंच इस साइड से ले लेते हैं। 6 इंच वहाँ से है तो 6 इंच दूसरी साइड से ले लेंगे और यहाँ पे पकड़ना है इसको, उस निशान से इस निशान तक 3/6 ऐसे मिला देंगे और इसको काट लेंगे।
अब छोटे बच्चे का है तो कमर भी उसी हिसाब से लगा देना, 12 इंच कमर की चौड़ाई ले लेंगे, और जैसे बड़े लोगों में 9 इंच लंबाई लेते हैं तो छोटे लोगों में 7 इंच ले लेंगे। तो बेल्ट भी काट के भी दिखा देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा मोरी हो गया और ये चारों कली हो गया, ठीक है। तो मोरी को बीच में रखेंगे और दोनों साइड कली ज्वाइन करेंगे। कली हमारा मोरी से इतना छोटा होना चाहिए, यहाँ पे जूम करके देखिए, इतना छोटा होना चाहिए, क्योंकि जब ये हम बकरम लगा के फोल्ड करेंगे इसको इतना पतले, तो ये बराबर में आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड ऐसे कली ज्वाइन करेंगे, एक पल हमारा ये ऐसे रेडी हो जाएगा। और इतना मोरी कली से बड़ा है, दोनों पल्लों को इसी तरीके से रेडी करना है। ये वाला ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ से दोनों को, तो इसको हटा देंगे, फिर दूसरा वाला पल्ला लेंगे और फिर इसको भी ऐसे ही ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये तो मोही की कली और मोही कटिंग होगी। अच्छे से समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, बाद में मत कहिएगा कुछ, कोई भी डाउट। ये बड़ा क्यों रखे हैं? मोरी खतरा के लिए, मोरी में लगाने के लिए, ठीक है। तो ये 5 साल के बच्चे के लिए सलवार की कटिंग हो गई। अब 5 साल के बच्चे के लिए कमर की कटिंग क्या होगी? कमर की चौड़ाई तो हम लोग अक्सर मोटाई पे लेते हैं ना, जितना मोटाई रहेगा उससे 2-3 इंच अधिक ले लेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे कमर की चौड़ाई हमारी 20 इंच है पूरा टोटल नाप के हिप के पास में, तो 20 इंच का आधा करेंगे 10 इंच आ रहे हैं, तो 11 इंच हम लोग यहाँ पे ले ले रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों पल्ला 11 इंच का है और ये लंबाई रहेगी हमारी, ये पेपर है तो 4 इंच ले लूँ, अपने कपड़े पे कट करिएगा तो 6 इंच ले लीजिएगा मोहरी की चौड़ाई, ठीक है। चाहे एक पेपर दीजिए दूसरा, बता दूँ पूरा अच्छे से सिलाई। हो चुकी है बेल्ट के लिए, जैसे हमारी हिप के पास हमारा 32 इंच है, तो हम लोग यहाँ पे 20 इंच है, तो यहाँ पे हम लोग का फिटिंग आएगा आधा, मतलब डबल कपड़े का आधा कर लेंगे, 10 इंच आ रहे हैं। 1 या 2 इंच आप अधिक कर दोगे क्योंकि ज़्यादा टाइट भी अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग यहाँ पे एक हमारा 10 इंच फिटिंग है, 12 इंच लंबाई ले लेते हैं, और यहाँ से 5 इंच, जैसे बड़े लोगों का सिलते हैं तो 9 इंच लेते हैं, और छोटे बच्चों के लिए हम यहाँ पे 6 इंच ले लेंगे, ठीक है। तो 5 साल के बच्चे के लिए पटियाला सलवार की कटिंग हो गई है, ठीक है। इसको काट लेंगे, इसको पूरा सिलिए, मोरी और कली ज्वाइंट कीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ चून कैसे लगाना है और बेल्ट कैसे जोड़ना है। सिलिए, यह यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे और इसके बाद उसमें कली में ज्वाइंट होगा। तो ये देखिए, मैंने मोहरी में और दोनों साइड की कलियाँ ज्वाइंट कर ली है, दोनों पैर का इसी तरीके से रेडी कर लिया है। अब ये जो बीच का बचा हुआ है यहाँ पे आसन, यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देंगे। इसको जोड़ने के बाद से हमको चुन्नट लगानी है, तो कैसे लगाना है वो देख लीजिए। बीच में मोरी है, दोनों साइड कर ली है, दोनों पैर का इस तरीके से रेडी करके बीच का जो आसन बचा है उसको सिल लेंगे। तो चलिए आसन ज्वाइंट करके और फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस तरीके से आसन को, जहाँ पे इन्होंने पकड़ा हुआ है, आसन को ज्वाइंट कर लिया। अब इधर को आसन, दूसरे आसन के साइड से हमको यहाँ से 2 इंच लेना है, 2 इंच छोड़ देना है, फिर 3-3 इंच पे पूरा निशान लगाना है। जैसे 3 इंच है, 3-3 इंच पे पूरा निशान लगा देना है, यहाँ पे 3-3 इंच पे पूरा निशान लगा देना है। उसी जो 3-3 इंच पे निशान लगा रहे हैं उसको ही पकड़ पकड़ के हमको चून लगानी है। तो ये देखिए, ये वाला आसन है, आसन तक हम लोग 3-3 इंच पे निशान लगा दिए यहाँ तक, और फिर आसन के दूसरी साइड भी 3-3 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब चून कैसे लगाना है वो भी देख लीजिए, पटियाला सलवार में चून कैसे लगाओगे आप। बड़े लोगों के लिए सिल रहे हो तो आपको 4 मीटर कपड़ा चाहिए। ये देखिए, जो यहाँ पे 2 इंच था उसको छोड़ देंगे, और जहाँ पे 3 इंच था वहाँ से लेके जहाँ पे 2 इंच का निशान था वहाँ तक आपको इस तरीके से चून लगानी है। एक साइड का आपको इस साइड से चून लगाया है, तो दूसरी साइड जैसे इधर का इधर से लगाया, तो इस साइड जैसे इस साइड का अपने इधर से लगा दिया, फिर दूसरी साइड का आपको दूसरी साइड से लगाना है, ओके। तो पूरा चून लगा के और फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए, इस साइड की चुन्नट सारी इधर से है, और फिर उस साइड की चुन्नट आसन तक इस साइड से, फिर आसन के दूसरी साइड से दूसरी साइड चून है। आपको आई होप दिख रहा हूँ, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। और फिर उसके बाद से जो बेल्ट लिया हुआ है, बेल्ट को बीच से जोड़ देंगे इस तरीके से, यहाँ से जोड़ देंगे और फिर यहाँ से सलवार में ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसको जोड़ के दिखाती हूँ।
तो ये देखिए इस तरीके से आपको बेल्ट लगा लेना है। उसके बाद से जो ये मोहरी है उसको सिलना है, तो किस तरीके से सिलना वो दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आपको मोहरी सिलने के लिए बकरम जो होता है, इस तरीके से पहले हमने चुन्नट और बेल्ट अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है। अब जो बकरम होता है, जैसे मान लीजिए ये बकरम है, तो अब आपको जितना चौड़ा मोहरी लेना है उतना चौड़ा बकरम कट करोगे, यहाँ पे रखोगे, हाफ इंच कपड़े को दबा के इस तरीके से स्ट्रेट सिलाई चलाओगे, फिर बकरम को इस तरीके से मोड़ के पूरा सिल लोगे। तो इसको सिल के और फिर दिखाते हैं। तो देखिए दोनों मोहरी हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। कपड़े पे सिलोगे तो डिजाइनिंग कर देना इस पर, अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे इस तरीके से जोड़ के आसन को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे आसन को ज्वाइंट कर लिया है, फिर इसको ओपन करके और यहाँ से इस तरीके से सिल लेंगे। यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे और पूरा ऐसे सिल लेंगे। ओके, तो ये जब सिल जाएगा फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये हमारा सिल गया है। अब इसको इस तरीके से, पेपर है तो ऐसे दबा के और फिर सीधा करोगे तो ईजिली आपका कोई भी ड्रेस सीधा हो जाएगा, नहीं तो फट जाएगा आपका पेपर। तो इस तरीके से आराम आराम से इसको सीधा कर लीजिए दोनों पैरों को। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया और ये इस तरीके का आपका पटियाला सलवार रेडी हो गया। बहुत ही प्यारा लगेगा, आप अपने बच्चे को पहना के देख सकते हैं। बट ये पेपर था तो मैं पहनाती तो फट जाता, और बहुत ही अच्छे से चुन्नट वगैरह सब कुछ लग चुका है। और ये है पिक जो कि मैंने ली थी कपड़े पे सिलने के बाद से। तो आप इस तरीके से रेडी कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और ये पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से समझ में आ गई हो। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए। लव यू गाइज़।